खबर रीवा से है, जहां शहर के कुठुलिया में लंबे समय से वन्य जीव व पक्षियों का कारोबार करने वाले व्यवसायी के यहां वन अमले ने दबिश दी है। इस दौरान कई पक्षी पाए गए जिन्होंने वन विभाग की टीम से जब्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि डीएफओ चंद्रशेखर सिंह एवं एसडीओ ऋषि मिश्रा के पास लगातार शिकायतें आ रही थी। उनकी जाँच कराने के बाद कार्यवाही के लिए टीम भेजी गयी। गोविंदगढ़ रोड में कुठुलिया में अवैध रूप से पक्षियों की खरीदी बिक्री की जा रही थी और वही कारोबारी करने वाला सूरज खटीक के घर वन विभाग की टीम ने छापामारी कार्यवाही की है। मौके पर सूरज नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी नेहा खटीक की मौजूदगी में सर्च वारंट की तमीली कर घर की तलाशी की गई। कार्यवाही के दौरान पिंजरे में कैद एक बाज पक्षी, एक नेवला अवैध रूप से पाए गए। इतना ही नहीं, कई तोते और अन्य वन्य जीव भी मिले। पक्षियों एवं वन्य जीवों की खरीदी पोक्त के लिए अनुमति से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया, इसके चलते जब्ती की कार्यवाही की गई। कारोबारी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। लड़के तू डाल दे, डाल ना वो डलवा दो। सर, ये नेट कार्रवाई की गई है, जानवरों की खरीद पर रोक चल रही थी, क्या कैसा मामला है? इसमें हमें गुप्तचर से सूचना मिली थी कि इस दुकान में संबंधित व्यक्ति द्वारा वाइल्ड लाइफ का इलीगल ट्रेड किया जा रहा है और यहाँ पे नेवला या मोर को पिंजरे पे रख के ऐसे उनका व्यापार किया जा रहा है। तो उस गुप्तचर की सूचना के आधार पे वरिष्ठ के निर्देश पे हमने यहाँ पे कार्यवाही करी और कार्यवाही के दौरान यहाँ पे हमने जब्ती की कार्यवाही करी, जिसमें हमें एक नेवला यहाँ पे पिंजरे में मिला है। बाकी जानवरों की भी अभी हम तलाशी कर रहे हैं और जितने भी जानवर उसमें बाद में अगर तलाशी के दौरान पाए जाते हैं उसकी सूचना आपको फिर प्रत्यक्ष से दे दी जाएगी। तोते वगैरह भी यहाँ मिले हैं,
उनकी भी अभी हम कार्यवाही कर रहे हैं। कार्यवाही पूरी होने के बाद हम पूरी जानकारी, पहले 3-4 बार कार्रवाई हो चुकी है और ये लगातार 5वीं कार्रवाई है, फिर बावजूद इसके नहीं रुक रहा ये काम, तो आखिर क्या? नहीं, इस बार हम बिल्कुल कड़ी कार्यवाही करेंगे और जो भी इसमें दोषी हैं संबंधित व्यक्ति उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद।